नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्में। आज मैं बताऊंगा आपको हॉरर फिल्म के बारे में। एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर या जो भी नए नए इस करियर में आए हैं फिल्म मेकिंग के, उसे एक हॉरर फिल्म जरूर बनाना चाहिए। और शुरुआत अगर हॉरर फिल्म से करें तो वो बहुत सेफ रहता है। और अपने ज़िंदगी में जो भी फिल्म आपने बनाने के लिए सोचा हो, चाहे वो एक्शन हो, थ्रिलर हो, रोमांटिक हो, आपको एक हॉरर फिल्म ज़रूर बनानी चाहिए। उसके अंदर भी आप थ्रिलर लगा सकते हैं, उसके अंदर भी आप एक्शन ला सकते हैं, उसके अंदर भी आप रोमांटिक सीन डाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हॉरर फिल्म बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए, क्यों ये इतना सेफ है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि हॉरर फिल्म कहते किसे हैं। देखिए, हॉरर फिल्म मनोरंजन के लिए बनाया गया वो फिल्म है जो दर्शकों में भय पैदा करता है, डर पैदा करता है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई, डर भी है मनोरंजन भी है, कैसे हो सकता है? जो डरेगा वो मनोरंजन कैसे पाएगा? देखिए, आप बहुत सारे पार्क जो एडवेंचर पार्क होते हैं बच्चों के, वहाँ गए होंगे। वहाँ बड़े झूले पर आप बैठे होंगे या रोलर कोस्टर में बैठे होंगे, तो वहाँ पर जितना बड़ा रोलर कोस्टर या बड़ा झूला होता है, जितना ज़्यादा डरावने होता है, उसमें ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उसमें उनको एक थ्रिल मिलता है, एक आनंद मिलता है। सेम उसी तरह जब आप कोई हॉरर फिल्म देखते हैं ना, तो जो लोग डरपोक रहते हैं, यानी छोटे बच्चे हों या कोई महिलाएं हैं या कई पुरुष ऐसे हैं जो डरते हैं, भूतों से डरते हैं, बहुत सारे, मैं भी बचपन में बहुत डरता था, मुझे हॉरर फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता था। मैं जानता हूं कि आज अगर हॉरर फिल्म मैंने देखा तो रात को बाथरूम तक जाने में थोड़ा दिक्कत होगी, मम्मी को बुलाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देखते थे। धीरे धीरे डर खत्म हो गया, लेकिन आज भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो अचानक कुछ घटना घटती है, जब आप सोचे नहीं रहते हैं ऐसा चीज़, वो जब घटती है तो आपको एक अच्छा लगता है, दिल को एक सुकून मिलता है, एक गुदगुदी मिलता है, एक डर लगता है, और उस डर के अंदर मज़ा मिलता है। तो इसमें बहुत सारे लोग, यानी बहुत बड़ा जनसंख्या, बहुत बड़ा दर्शक वर्ग आपको मिलेंगे हॉरर फिल्म देखने के लिए। इसकी एक छोटी सी इतिहास पहले मैं आपको बताऊं कि हॉरर फिल्म की शुरुआत कहाँ। देखिए, जब फिल्म बनना शुरू हुई, यानी पहली मूवी फिल्म कैमरा आया, और उस समय जो पहली फिल्म बनी वो एक ट्रेन का शॉट था, वो तो हॉरर नहीं था। लेकिन उसके बाद 1896 में पहली हॉरर फिल्म बनी फ्रेंच लैंग्वेज में, 3 मिनट की, जिसका नाम था, ये फ्रेंच फिल्म थी, ले मेन्योर ड्यू डेबल। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि हाउस ऑफ द डेबल, यानी भूतों का घर। अभी मैं इंग्लिश उन फिल्मों का नाम बताऊंगा जो अब तक का सबसे डरावनी फिल्मों में एक है, और वो है 1930 में आया सबसे पहली फिल्म ड्रैकुला। देखिए, ड्रैकुला का उसके बाद बहुत सारे सीरीज़ बने, लेकिन जो भी सीरीज़ बना, ड्रैकुला अपने आप में ऐसी डरावनी फिल्म थी जिसे हर लोग देखना चाहते हैं। आई एम ड्रैकुला। उसके बाद बहुत सारे इसके सीरीज़ आए। उसके बाद एग्जॉर्सिस्ट 1973 में आई, वो एक ज़बरदस्त फिल्म थी जिसकी कल्पना लोग नहीं किए थे कि इस तरह की भी फिल्म बन सकती है हॉरर में। जॉज 1975, जॉज देखिए ये भूत का तो नहीं था, लेकिन डरावनी फिल्म थी, हॉरर फिल्म थी। इस हॉरर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ भूत प्रेत पिशाची है, इसमें एक जानवर को दिखाया गया, पानी में रहने वाला एक जानवर। द शाइनिंग 1980, द एविल डेड 1981। एविल डेड में इस कदर मेकअप किया गया था भूतों का, या जो घोस्ट थे, जो उसके अंदर जो शैतान थे, वो आदमी के अंदर ही प्रवेश हो जाते थे, और उसका जो मेकअप था, उसका जो गेटअप था 1981 के हिसाब से जबरदस्त था। अगर आपको याद होगा पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो 2007 में आई थी, देखिए इस फिल्म में सीसीटीवी कैमरे का यूज़ हुआ, जो सीसीटीवी के नॉर्मल कैमरे होते हैं उस कैमरे का उपयोग किया उन लोगों ने, और उसे एक पुराने बंगले, काइंड ऑफ बंगला था, एक इमारत थी, उसके अंदर फिट किया गया। उनको ऐसा था कि कुछ परालौकिक
प्रक्रियाएं वहाँ होती हैं, यानी जो भौतिक प्रक्रियाएं हैं वो होती है, तो उसको चेक करने के लिए कुछ लोगों का टीम गई और उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाया और उसके अंदर जो कैद हुआ उसको एडिट करके दिखाया। कितना सिंपल चीज़, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो डेफिनेटली उसका जो कसा हुआ जो उसका स्क्रीन प्ले है आपको उस फिल्म को शुरू से अंत तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। नेक्स्ट फिल्म है द ऑर्फेनेज, वो भी 2007 में आई थी। द कंजूरिंग 2013 में आई, उसके बाद कंजूरिंग का दूसरा पार्ट भी आया। उसके हर एक पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और लोग उसे बार बार देखना चाहते हैं। उसके बाद एक फिल्म आई थी गुड नाइट मम्मी, वो 2015 में आई हुई थी। और मम्मी के ऊपर इस तरह की फिल्म, मम्मी के ऊपर इससे पहले भी फिल्म बनी थी, लेकिन मम्मी पर जो ये गुड नाइट मम्मी बनी थी, इसको आप जब देखेंगे तो आपको एक अलग रोमांच पैदा होगा, अलग डर पैदा होगा। गेट आउट 2017 में आई हुई फिल्म थी, जो बढ़िया थी। दो हजार 2017 में एक और फिल्म आई थी इट, उसे भी लोगों ने पसंद किया। दो हजार 2018 में एक फिल्म आई थी हॉलोवीन, यह भी जबरदस्त फिल्म थी, लोगों ने इसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया। लोगों के दिमाग के ऊपर की फिल्म थी, लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसे सब्जेक्ट पर भी फिल्म बनाई जा सकती है। एक फिल्म 2018 में आई थी, वो है द क्वाइट प्लेस। क्वाइट प्लेस एक ऐसा प्लेस जहां हर एक को शांत रहना होता था, क्योंकि एक भी ड्रॉप, एक भी आवाज आई तो उनकी मौत निश्चित होती थी। तो इस नए थीम पर 2018 में आई थी क्वाइट प्लेस। इस तरह की बहुत सारी फिल्में आई, इंग्लिश फिल्में, जिन्हें आप देख सकते हैं, उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं, और उन फिल्मों को देखकर उस ढंग का तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस संक्षिप्त बजट में या कम बजट में या यहाँ के जो देशकाल परिस्थिति है उस हिसाब का तो नहीं बन पाएगा, लेकिन जो बन पाएगा उसके सब्जेक्ट को लेकर के आप कुछ नया कर सकते हैं। इसलिए फिल्में ज़रूर देखिए, और इसके अलावा भी तमाम फिल्में हैं हॉलीवुड में, तो ये हॉरर फिल्मों का बाढ़ सा है। हर साल 2, 3, 4, 10 ऐसे फिल्में आती हैं जो हिट होती हैं और जो लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। बहुत सारी फिल्में, आप उन्हें एक एक करके देख सकते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है, उन खूबियों को अलग कर सकते हैं। अब आते हैं बॉलीवुड में, यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी डरावनी फिल्म या हॉरर फिल्में यहाँ पर हिट हुई थी। बॉलीवुड में अगर बात की जाए तो सबसे पहली फिल्म 1949 में महल आई थी, जिसे कमाल आमरोही जी ने बनाया था। उसके बाद 1962 में आई 20 साल बाद, फिर आया दो गज जमीन के नीचे 1972 में, और इसके बाद रामसे ब्रदर्स की ढेर सारे फिल्में आई थी। इस फिल्म में भी इन्होंने निर्माता निर्देशक के रूप में काम किया, और उसके बाद एक के बाद एक रामसे ब्रदर्स की बहुत सारी हॉरर फिल्में आई। उसी सीक्वेंस में एक फिल्म आई थी 1978 में दरवाज़ा नाम से, जिसके बारे में कहा जाता है कि निर्माता द्वारा ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर अकेले इस फिल्म को थिएटर में बैठ के देख लेगा तो उसे 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। उस समय 1978 की बात किया जा रहा है। उसके बाद एक फिल्म आई थी रात 1992 में, राज 2002 में, जो ज़बरदस्त म्यूजिकल फिल्म थी, जिसका म्यूजिक भी हिट था और उस फिल्म को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी आपके प्यार में हम संवरने लगे। मकड़ी एक फिल्म आई थी 2002 में, बच्चों को लेकर के ये फिल्म भी काफ़ी पसंद किया गया। तेरा यहाँ वो हमारे मास्टर जी हैं। 1920, देखिए 2008 में एक फिल्म आई थी 1920, ये 1920 की बात बताती है, उस समय का एक हॉरर फिल्म को लेकर के आया था। दो
2010 में एक फिल्म आई थी शापित, ये भी काफ़ी अच्छी थी। रागिनी MMS 2011 में आई थी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को नकल करके बनाया गया था और वो फिल्म भी यहाँ के ऑडियंस ने पसंद किया। एक थी डायन 2013 की थी, वो काफ़ी अच्छी थी। एक अगर फिल्म नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिए, वो है टम्बाड जो कि 2018 में आई थी। उस फिल्म को इस ढंग से शूट किया गया और इस ढंग से बनाया गया कि आपको देख करके उसे शुरू से अंत तक आप छोड़ नहीं पाएंगे। एक फिल्म आई थी 2018 में स्त्री, जो काफ़ी बड़े लेवल पर हिट हुई और इस फिल्म ने बता दिया कि हॉरर फिल्म को भी एक बड़े लेवल पर रिलीज़ किया जा सकता है। कोशिश करिएगा कि इन फिल्मों को ज़रूर आप देखें, सब नहीं तो कुछ कुछ फिल्में ज़रूर देखिए। उसके अंदर जो खूबी मिले आपको, कई कमियां आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं जब बचपन में देखता था तो हंसता था कि कुछ फिल्में ऐसी थी कि जिसमें भूत जो है वो जीन्स पैंट पहन करके और पावर के जूते पहन कर दौड़ रहा, तो अजीब लगता था। तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेकिन उनकी लाइटिंग देखिए, उनकी म्यूज़िक पोर्शन को देखिए। हाँ, इनकी लाइटिंग और म्यूज़िक डेफिनेटली हॉलीवुड की फिल्मों से आप बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा, लेकिन कम बजट में जो बनाते थे और उस समय के दर्शकों को क्यों अच्छा लगता था, या इधर बीच की जो हिंदी फिल्में हैं, जो हॉरर फिल्में हैं, उन फिल्मों को देखिए। उसके अंदर आप म्यूज़िक का पार्ट देखिए, उनमें कलर ग्रेडिंग का पोर्शन देखिए, उसके अंदर उन चीज़ों को देखिए जिससे थ्रिल पैदा होता है, भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। तो उन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अब मैं बताऊँगा कि क्यों आपको एक हॉरर फिल्म बनानी चाहिए, यानी हॉरर फिल्म में वो क्या खास बातें हैं जो लोगों को आकर्षित करती है, यानी जो नए प्रोड्यूसर होते हैं, जो नए डायरेक्टर होते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं बनाने के लिए।